Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Aligarh ke Gandhi Park thana kshetra mein gurvar der raat agyat badmash ne mamooli vivad ke baad ek patrakar Mukesh Gupta ko goli maar kar ghail kar diya. Goli pet mein lagi hai. घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पत्रकार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही डीआईजी एसएसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। नौरंगाबाद छावनी निवासी मुकेश गुप्ता अलीगढ़ में एक निजी टीवी चैनल में पत्रकार हैं। गुरुवार देर रात वे दो अन्य पत्रकार साथियों के साथ धनीपुर मंडी में खाना खा रहे थे, इसी दौरान यह वारदात हुई। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने यह जानकारी दी। जनपद अलीगढ़ में भारत समाचार के पत्रकार हैं मुकेश गुप्ता। आज ये अपने दो साथी संजीव और प्रमोद, इनके साथ मंडी क्षेत्र अंतर्गत एक पेड़ के पास एक जगह बैठ के कुछ खा पी रहे थे। वहीं इनका कहना है कि वहीं पास में एक अन्य युवक जो वहां पहले से बैठा था कुर्सी और तखट डाल के, वो इनके पास आया और इनके साथ बदतमीजी करने लगा। जब इनके द्वारा उसको मना किया गया, टोका गया, तो उसने विशेष तौर से जो मुकेश गुप्ता हैं इनकी ओर इशारा करते हुए इनके साथ अत्यधिक बदतमीजी की एवं आक्रामक हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया जो इनके लोअर एब्डोमेन क्षेत्र में लगा। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और इनको लेकर मेडिकल कॉलेज आई है। मेरे एवं अन्य अधिकारी द्वारा इनसे मेडिकल कॉलेज में इनको मिला गया, इनसे हालचाल लिए गए, साथ ही जानकारी जुटाई गई और वहीं एक अन्य टीमें जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज आदि देखने के लिए और अन्य धरपकड़ के लिए लगा दी गई। इसमें दो संदिग्ध जो हैं इनसे पूछताछ भी शुरू की गई है और अन्य संदिग्ध भी जो मंडी क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको अभी देखा जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत करा दें कि जो मेडिकल कॉलेज है इसमें प्राथमिक चिकित्सा के बाद जो इनके स्कैन आदि कराए गए थे तो डॉक्टर द्वारा एक बुलेट पेल्विक एरिया में बताई गई है और डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया है कि इनकी सेहत अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के संबंध में हर पहलू पर पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है और इन अपराधियों को, बदमाशों को शीघ्र धरपकड़ करते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।